देखो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है 3D ऑर्बिटल्स के लिए, 3D ऑर्बिटल्स के लिए n, l और m की वैल्यू लिखो। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, n की वैल्यू 3 है, d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, m की वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस एल से प्लस एल तक, तो माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एन एल एम एंड एम की वैल्यू लिखनी थी, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 प्रोटॉन, मींस 29 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है वो 35 है, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो दे रखा है वो 35 दे रखा है और पूछा डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसमें बोला है कि बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो किसी भी एटम के लिए क्वेश्चन में सुनो, शुरू में एक छोटा सा टर्म दिया है कि ये एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 29 है एंड एटम इज न्यूट्रल। देखो क्वेश्चन में ही सारी चीजें कह गया है लेकिन समझने की इच्छा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन फॉर एटम, मैंने बोल रखा था ना पहले ही लेक्चर में बोला था, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन मींस प्रोटॉन इज इक्वल टू 29 बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 29 एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं और एटम्स के बारे में बताने हैं। 29 एटॉमिक नंबर हो गया मींस जेड इज इक्वल टू 29, प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। अब 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो कॉपर का, कॉपर का 29 होते हैं, हो गया ये। अब इसका सिंबल भी लिखना है, तो ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, मास को ए से दिखाते हैं, मास क्या होता है ए प्लस जेड सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो इसको अगर डिड्यूस करना है इसको, तो कॉपर 29 न्यूट्रॉन 35 प्रोटॉन 29, तो 35 प्लस 29 इसको लिख लो कॉपर 64, हाँ 29 और 64 जो भी आ जाए ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास एलिमेंट आया था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे 4s2 तक लिखेंगे तो 20 हो जाता है, याद करवाया था 4s2 तक लिखोगे तो 20 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद 3d9 आता है, लेकिन d9 और d4 हो तो इलेक्ट्रॉन जंप करवाते हैं, तो यहाँ से जैसे ही जंप करेगा 4s1 3d10 बना लेता है। ये एक्सेप्शन केसेस में था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को मिला होगा, जो लोग बच्चे नए हैं अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी लेकिन हो जाएगा उनका भी। जो लोग नए हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख देख के कंप्लीट करते चले, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है उधर से कंप्लीट करते चले धीरे धीरे, कुछ कंप्लीट तो होगा, कुछ तो होगा, फिर से जब नया पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ लेना ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करें 27, तो गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज, कुछ स्पीसीज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। सुनो वो स्पीसीज एटम भी है आयन भी है मॉलिक्यूल भी है, तो कोई बात नहीं मैं तीनों में सिखा रखा हूं। देखना पहला है H2+, दूसरा है H2 और तीसरा है O2+। तो मैंने क्या बोल रखा था, इधर H2+ है तो पहले इसमें प्रोटॉन कितने होंगे वो तो पता चल जाएगा, तो प्रोटॉन कितने हैं, एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के बराबर एक प्रोटॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है मींस प्रोटॉन इन हाइड्रोजन इज 1, तो यहां पे दो हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन 2 × 1 बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे प्रोटॉन के बराबर मींस 2। अब चार्ज है +1 तो यहां लिखेंगे -1, कल भी करवाया था इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, देखा होगा तुम लोगों ने अगर मिला होगा तो। अब बात है अभी H2 की, तो इसमें तो कोई भी चीज नहीं, प्रोटॉन कितने हैं तो 2 × 1 मींस 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 और इसके चार्ज को ऑपोजिट, चार्ज कुछ भी नहीं है 0 है, तो यहां +0 या -0 लिखोगे 2 ही आएगा। एटम के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। O2+ की बातें करें तो O2 प्रोटॉन कितने हैं सुनना 2 × और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होती है मींस 16, तो इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी सुनना, इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी तो 16 ही होगी प्रोटॉन के बराबर। अब चार्ज देखेंगे, चार्ज +1 है तो यहां -1 लगा देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से तुम लोग को आते होगी, फिर भी क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन 28 की बातें करें तो लिखा है एन एलिमेंट हैज एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की बातें कर रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम, एल और एम की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है वो बतानी है। सुनना एन इज इक्वल टू 3 के लिए एल की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक होगी, सुनना एल की पॉसिबल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन माइनस 1, कल किया था ना इस पे क्वेश्चन,
कल ही किया था ना, या फिर समझ के बनाना है तो 3 है, n इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 और सबसे जोड़ सकते हैं, मीन्स 3s, 3p, 3d, डायरेक्ट लिख लो समझ के, 3 के लिए 3, 1, 2, 3, यहाँ से कर सकते हो तो यहाँ भी करो, l लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स 2, l लेस देन इक्वल टू 2, और 2 किसके लिए होता है, डी ऑर्बिटल के लिए, 2 किसके लिए होता है, डी ऑर्बिटल के लिए, मीन्स n के लिए पॉसिबल वैल्यू d तक होगी, मीन्स 3s, 3p, 3d. अब पूछ रहा है m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू, तो l की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल 2 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 से प्लस 2 तक, इजी वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है. ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जो कि बीच में सिंपल से फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट आने लगेंगे. सुनते चलना क्वेश्चन नंबर, इसी में 28 में आगे लिखा है, लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल. 3d ऑर्बिटल के लिए m और l की वैल्यू लिखनी है. तो इसमें क्या है, 3d ऑर्बिटल अभी तो लिखा था, 3d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, ये अच्छे से पता है. और m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 से प्लस 2 तक का पूरा लिखोगे तुम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 पूरे लिख दोगे, ठीक है. इसके बाद वाली क्वेश्चन बोलते हैं, इसी में 27 में थर्ड है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 1p 2s. सुना, इसमें से लिखा है, चार ऑप्शन लिखा है, कौन से पॉसिबल हैं, 1p 2s 2p 3f, कौन से पॉसिबल है. तो 1p, सुनना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्बिट मींस एक ही ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऑर्बिटल्स एक ही होने चाहिए, तो 1s ही होने चाहिए, 1p कैसे आ जाएगा, मतलब दो ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है, मींस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. पॉसिबल कौन है वो पूछ रहा है. अब 2 में, तो 2 में दो ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, 2s 2p, मींस 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, यहीं से हो गया. 3 में 3 ऑर्बिटल आएंगे, तो 3s 3p 3d, ये 3f है, मींस ये भी पॉसिबल नहीं है, मीन्स दिस टू आर पॉसिबल, दिस टू आर नॉट पॉसिबल. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का हो गया, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि NCERT का है पहली बात, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना के दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना. इसके बाद क्वेश्चन है, यूजिंग SPDF नोटेशन, SPD नोटेशन, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है. SPD नोटेशन का यूज करना है और डिस्क्राइब करना है फॉलोइंग क्वांटम नंबर को. थोड़ा चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू 4 है, 4 सॉल्व करने हैं, लिखा है एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3 तुम लोग करना, ठीक है, एक सॉल्व कर देता हूँ, 3 तुम लोग करना. फर्स्ट ये है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, तो तुमको क्या लिखना है, n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1, और l इज इक्वल टू 0 मीन्स s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो 1s, ठीक है. ऐसा ही और 3 है, तुम लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चंस. कल वाले क्वेश्चन छूट गए थे, वीडियो में नहीं दे पाया था, आज वाले वीडियो में मैं कल का भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, और आज का भी क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है. ऐसे NCERT से तुम लोग देख सकते हो जाके. अगले क्वेश्चन 30 में लिखा है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल. 6 दिया हुआ है इसमें, और 6 में नहीं लिख पाऊंगा, और बोल रहा है कि इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है. जैसे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में लिखा है, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत बार पूछा है, 2-3 बार तुम लोगों को प्रीवियस ईयर में मैंने करवा रखा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट आर नॉट पॉसिबल. सुनो, इस तरह का n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ, क्या ये पॉसिबल है. तो बोलोगे सर n इज इक्वल टू 0 मीन्स संभव है क्या, 0 ऑर्बिट मीन्स कोई ऑर्बिट ही नहीं है, एटम किस बात का, मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा दिया है, 6 छो नहीं करवा रहा, 2 करवा रहा बस, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है. n इज इक्वल टू 0 मीन्स ऑर्बिट 0 हो सकता है क्या, तो इले नो, ठीक है. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ अच्छे से तुम लोग को. n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 0 मतलब s, तो 1s पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है. या फिर ऐसे देख लेना, L की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, तो L इज लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 मीन 0, 0 के बराबर या 0 से कम, तो 0 से कम तो हो नहीं सकता, माइनस 1 ऑर्बिटल थोड़ी है यार सर, 0 से शुरू होता है ऑर्बिटल, 0 1 2 3 4, तो 0 ही है, तो 0 दिया है मीन्स पॉसिबल है ये.
एल इज इक्वल टू जीरो के लिए एम इज इक्वल टू कितना होगा, तो एम का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक होता है, मीन्स माइनस जीरो से प्लस जीरो मीन्स ओनली जीरो, माइनस जीरो होता ही नहीं है, तो माइनस जीरो से प्लस जीरो मीन्स जीरो। एस की वैल्यू मतलब जीरो मीन्स एक ऑर्बिटल, जीरो मीन्स नंबर है, नंबर जीरो मीन्स जीरो ऑर्बिटल नहीं, जीरो एक नंबर है उसका नाम है जीरो, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल की बातें कर रहा है, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन हट सकते हैं, तो एक दो मीन्स एक भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है माइनस वन बाई टू मीन्स इट इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे छः हैं, छः को सॉल्व करने हैं, दिक्कतें आए तो पूछ लो ना। जैसे यहाँ पे एक और करवा देता हूँ, पाँच नंबर दिया है, n इज इक्वल टू थ्री, एल इज इक्वल टू थ्री, एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। देखो एस वाले नहीं देखने हैं तुम लोग को, एस ऑलवेज सेट रहता है, एस में कोई दिक्कत नहीं होगा, एस को छोड़ दो। ये तीनों को देखना कि ये तीनों में दिक्कत है क्या। एन इज इक्वल टू थ्री के लिए एल इज इक्वल टू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन होने चाहिए, एल थ्री है तो एल को लेस देन और इक्वल टू, ये एन की वैल्यू थ्री है सुनना, तो थ्री माइनस वन मीन्स टू होने चाहिए, टू या टू से कम होने चाहिए एल की वैल्यू, तभी पॉसिबल है। यहाँ पर लेकिन एल की वैल्यू थ्री है मीन्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल मतलब माइनस थ्री से प्लस थ्री, तो ये सही है, एम की वैल्यू सेट करेगा यहाँ पे, लेकिन एल ही इतना वैरी नहीं कर पाएगा तो एम कहाँ से लेके आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोग छः है, छः वो देखना। इसके बाद है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 31st क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। लिखा है एन इज इक्वल टू फोर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर दूँ, जन्माष्टमी के चलते तबीयत पे असर बुरा हो चुका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी पढ़ लो। देखना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, एन इज इक्वल टू फोर एंड एल इज इक्वल टू कहाँ गया जी, नहीं एम एस स्पिन क्वांटम दिया है, स्पिन इज इक्वल टू माइनस हाफ बोल रहा है। ये क्वेश्चन आई के एडवांस 2019 सुने थे ना, एन इज इक्वल टू थ्री दे रखा था, एम एस इज इक्वल टू फलाना दे रखा था, एल भी दे रखा था, आई टी एडवांस 2009, ठीक है 2009 का था और 2011 का भी था, सेम क्वेश्चन दोनों करवाया भी था पिछले सेट्स में, तुम लोगों ने देखा भी होगा। खैर यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन, देखो इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी कभी भी मत छोड़ना, किसी भी हालत में मत छोड़ना, वो कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। एन इज इक्वल टू फोर और s इज इक्वल टू हाफ, n इज इक्वल टू फोर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2n स्क्वायर, अगर तुम लोग फॉर्मूला से जाते हो तो, बिना फॉर्मूला के मैं सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला से मेरे को कोई रिलेशन नहीं है। s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, s मतलब एक ऑर्बिटल में स्पिन जो दिखाता है वो है, तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाले के लिए माइनस हाफ का यूज करते हैं, ऊपर वाले के लिए प्लस हाफ, तो प्लस हाफ वाला नहीं है मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है ऊपर वाले, खाली नीचे वाले हैं, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास आने चाहिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 32, 32 आने चाहिए, मीन्स एक डिब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे, दो दो सुनना, दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब 32 आने चाहिए, जो 32 आने चाहिए जब दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब, लेकिन s ओनली वन है, मीन्स s बोल रहा है कि नहीं एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, ठीक है, मीन्स सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, मीन्स 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस हाफ, सो इलेक्ट्रॉन बिकम 32 बाई 2, हाफ कर देते हैं मतलब आधा इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर होती है, आधा इलेक्ट्रॉन नीचे, तो नीचे वाले कितने होंगे ये पूछ रहा है, तो आधे होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब थोड़ी सी समझदारी से करते हैं, ये तो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की, यहाँ पे समझदारी से करते हैं। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, चार ऑर्बिटल्स मीन्स 4s 4p 4d क्या रहने दें, नहीं एक दो तीन सेट हुए, चार सेट होने चाहिए, फोर्थ है तो 4f। अब देखो s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं मीन्स 4 बढ़ गए, d में और 10 होते हैं मतलब 4 और बढ़ गए, f में 14 होते हैं 4 और बढ़ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसको ऐड करके आ जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए s में दो होते हैं मीन्स ये देखो s में दो होते हैं तो एक ऊपर वाला प्लस हाफ नीचे वाला माइनस हाफ, हमको चाहिए ओनली माइनस हाफ, तो प्लस हाफ को मिटा दो, मीन्स दो में से एक चाहिए, तो 6 में से कितने चाहिए, तो 3, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, दो में से एक, 6 में से 3, 10 में से 5, 14 में से 7, या फिर तीन सारे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, या फिर अभी डिवाइड करके ही तब जोड़ लो, 7 3 10 5 1 6 16,
ठीक है, तो दोनों मेथड्स हैं, समझ के बना लो। ऑर्बिटल्स तुम्हारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स तुमको भरने हैं, कैसे भरने हैं, क्या करने हैं, फॉर्मूला के बिना भी क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। क्वांटम में फॉर्मूला याद किया तो दिक्कतें आएंगी, ये जरूर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस है, हाँ इसी में एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू जीरो रखा है। सुनना, एन इज इक्वल टू थ्री और एल इज इक्वल टू जीरो में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एन इज इक्वल टू थ्री और एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब एस ऑर्बिटल। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो किसी भी s हो, 3s 4s 5s उससे क्या मतलब, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अगर क्वेश्चंस की बातें कर लें, सो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ये चीज़ें हम तुम लोग को वहाँ पे बता चुका था, मैं तुम लोग को एक बार डील किया था वेव लेंथ वेव नंबर बना के जब क्वेश्चंस डील कर रहा था आईटी एडवांस का, तब जैसे कि हमारे पास है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, यही ना। अब बोल रहा है सो दैट, सो करना है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो, कहाँ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ। डी ब्रूगली वेवलेंथ क्या है, सुनना, पहले हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी आने चाहिए, मीन्स हमारे को ऐसे करने की एम वी को इधर करने एच बाई एम वी के टर्म में, मीन्स टू पाई, अगर इसको इधर ले आए टू पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई एम वी, ये देखो ये तो डायरेक्ट हो गया। एच बाई एम वी को हम लोग डी ब्रूगली वेवलेंथ लैम्डा कह सकते हैं, मीन्स टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो मैं जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस, इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कहते हैं, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से आगे के क्वेश्चन की तरफ चलिए, बेकार क्वेश्चन था। वॉट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एस एटम स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन, बाल्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 इन एच ई प्लस स्पेक्ट्रम। ठीक है, वॉट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कैसे ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए बोल रहा है, सुनना, और हीलियम प्लस का ट्रांजिशन दिखा रहा है कि सेम हो से। सुनना यहाँ पर थोड़ा सा, पहले हम देख लेते हैं हीलियम प्लस का ट्रांजिशन क्या दे रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, आर एच को कॉन्स्टेंट ही रखते हैं क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करना है ऐसे, इंटू जेड स्क्वायर होता है, बोलो इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। बोला था एन वन और एन टू को लेकर पैनिक नहीं होने का है, एन वन एन टू कुछ भी रखो, जो भी सॉल्व करके आने चाहिए वो पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देख लेना, अगर मैं फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए देखे, हीलियम प्लस आयन के लिए तो एन इज इक्वल टू, ओ हाइड्रोजन के लिए दिया ना, वट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम, हीलियम 4 से 2 तक जा रहा है, तो एन वन को 4 रखो, एन टू को 2 रखो, और हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, सारे पुट करेंगे तो 1 बाई लेमडा हीलियम इज इक्वल टू हीलियम प्लस, सॉरी हीलियम प्लस आयन के लिए, तो हीलियम प्लस आयन रहे चाहे कुछ भी रहे, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, प्रोटोन चेंज नहीं होगा, प्रोटोन मीन्स एटॉमिक नंबर, हीलियम प्लस का 2 ही रहेगा, आर एच इंटू 2 स्क्वायर 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई, या फिर इसको 2 रख लो, 4 रख लो, सही है नहीं 2 रखो, 2 रखो इसको 4 रखो ताकि पॉजिटिव ही आए डायरेक्ट, तुम कुछ भी रख सकते हो, मैंने शुरू में ही बोला कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो भी वैल्यू है पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं, 4 स्क्वायर मैंने ऐसे रख दिया कि पॉजिटिव ही आए, तो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा हीलियम प्लस जो आएगा वो आ जाएगा आर एच, यह आ जाएगा 4 इंटू दैट वन 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16, 16 कॉमन कर लेते हैं, 4 माइनस 1 3 बाई 16, 4 से 4 कैंसिल, 3 बाई 1 बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा हीलियम अगर आए तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 ना, 4 बाई 3 आर एच नीचे आ जाएगा, नहीं आर एच, ये लैम्डा हीलियम आ गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब पूछ क्या रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ जंप कराएं, बाल्मर सीरीज में,
तो फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर टेक करें, इधर दिख रहा है क्या? हाँ हल्का दिख रहा है, देख लेना। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिखे एन वन इज इक्वल टू वॉट, एन टू इज इक्वल टू टू, क्योंकि बाल्मर सीरीज की बातें कर रहा है, बाल्मर सीरीज से फाड़ने की बात है। जेड इज इक्वल टू वन, यही वॉट का निकालने हैं, तो फिर से वही चीजें निकालेंगे, वन बाई लेमडा। सुनना, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, यही चीजें पुट कर देंगे यहाँ पे आके, इज इक्वल टू आर एच, जेड स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर, वन बाई वन स्क्वायर मीन्स वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहीं से फाइंड करनी है। आज थोड़ी सी मैं इसको बेंड कर देता हूँ, तुम लोग को भी दिखे, वो यहाँ पे है वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे उठा के, मीन्स वन बाई लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, वन बाई लेमडा ही रख लो ना, वन बाई लेमडा एच इज इक्वल टू थ्री आर एच बाई फोर, थ्री आर एच बाई फोर, तो यहाँ पे थ्री आर एच बाई फोर पुट करेंगे और यहाँ पे आर एच आएगा, आर एच आर एच कैंसिल, यहाँ वन स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई वन स्क्वायर मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, हियर इज वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़े से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये थ्री बाई फोर है, अगर इस नंबर को वन बाई एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाते हैं, वन माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, थ्री बाई फोर, तो ये फोर माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, तो वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू वॉट टू, तो यहाँ से सॉल्व करके अपन निकाल सकते हैं किस वेवलेंथ के बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, ये क्वेश्चन एक बार आई थिंक जेईई मेंस और मेडिकल दोनों में पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना। क्या पूछता है क्वेश्चन, कि हीलियम एटम का फोर से टू में जो ट्रांजिशन हो रहा है, फोर से टू में ट्रांजिशन जो हो रहा है, उसके वेवलेंथ के बराबर ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन आना चाहिए, कब? जब वो बाल्मर सीरीज में जंप कर रहा है तब, तो कहां से बाल्मर सीरीज में जंप कर रहा है वो बताइए, ठीक है, तो वन से टू में जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कभी भी आस्क रहे, इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पहले बना लो, सेफ जोन में रहोगे, कम से कम सेफ तो हो गए, इसके बाद जितनी क्वेश्चन से बनाओ, जहाँ से बनाने हैं बनाओ। देखना आगे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जैसे यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालने की, हीलियम है, हाँ हीलियम है, हीलियम प्लस से हीलियम टू प्लस बना रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है मींस इनफाइनाइट ऑर्बिट में भेज देना है, इनफाइनाइट ऑर्बिट को भेज देना है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोसेस, इसमें कितने एनर्जी लगेंगे, द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए जो दिया है, हाइड्रोजन के लिए दिया है, सुनना यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मूला टाइप का बनेगा, और नहीं तो ये लेंदी जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो दिया है वो ग्राउंड स्टेट का वो दे दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन से निकालने के लिए कितने चाहिए, तो वो चाहिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ये चाहिए ही होता है, खैर इसको चेंज करके भी दे सकता है, उसी को पुट करना होगा तुमको सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है हाइड्रोजन का और फाइंड करना है आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस का, बोलो हीलियम प्लस का ही इलेक्ट्रॉन ना निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, अगले लेसन में पढ़ाएंगे किस तरह के इलेक्ट्रॉन को निकालने हैं, किस तरह के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालने, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का दिया है, हीलियम का पूछ रहा है, इज इक्वल टू, ये रिलेशन देखना थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जेड हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड हीलियम का स्क्वायर, सो सिंपल एंड सो ईजी, नहीं तो इसका निकालो, इससे तुम लोग जो फाइंड करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी से किस ऑर्बिट में जा रहा है, सॉरी किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जा रहा है, उससे फिर हीलियम का फाइंड करना होगा, तो दोनों में से आराम से यहाँ से कर सकते हो, आई हाइड्रोजन का दिया है 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये फॉर्मूला को थोड़ा नोट करना अच्छे से, आई हीलियम प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाइड्रोजन का वन स्क्वायर एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है, टू का होल स्क्वायर मीन्स फोर, फोर टाइम्स, तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज फोर टाइम्स ऑफ 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये माइनस में होगा 2.18 मीन्स दिस वंच, ठीक है, ये आसानी से बन सकता है, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेंदी नहीं जाता है, समझ के बना सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चन में तीन चार दे रखा है,
ठीक है, और आगे चल के जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी क्वेश्चन दे रखा है वो भी मैथ्स का क्वेश्चन है। दिमाग होगा आराम से बनेगा, दिमाग नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल से बनेगा, लेकिन बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लेना, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, डायमीटर दे रखा है कार्बन एटम का, कार्बन एटम का डायमीटर, डायमीटर बोले तो ये पूरी 0.15 नैनोमीटर, मींस रेडियस तो पता ही हो जाएगा। अगर आगे के क्वेश्चंस में पढ़ूं तो वो लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाई साइड इन ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ए स्केल ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये घटिया क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। ये नैनोमीटर में दिया है ना, हाँ नैनोमीटर में दिया। एक साइड बाई साइड हम लोग एटम पुट कर रहे हैं कार्बन का, डॉट 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 डॉट, और ये पूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर की हो रही है। और इससे घटिया क्वेश्चन होता है क्या, ये पूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर की हो रही है, तो बोल रहा है कितने ऐसे कार्बन पुट करेंगे। एक कार्बन 0.15 नैनोमीटर का है और सारे मिला के 20 सेंटीमीटर होने चाहिए, तो n पुट करो। ठीक है, एक का है 0.15 × 10⁻⁹ नैनोमीटर को मीटर में लेके चलते हैं, इसको भी मीटर में लेके चलेंगे, मीटर में ले जाएंगे तो -9, आई थिंक ये क्लियर होगा, -9 को नैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, -9, इसका अगर n एटम लेते हैं, n एटम, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले चलो, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻², 3 होता है, नहीं 2 होगा, नहीं तो मिली हो जाएगा, नहीं यहाँ मिली और सेंटीमीटर थोड़ा सा दिक्कत होता है, -2, सॉल्व फॉर n, इससे घटिया कोई क्वेश्चन होगा क्या, कि मतलब एक पेन का लेंथ अगर मैं बोलूँ 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है एक पेन का लेंथ। ठीक है, तो ऐसे कितने पेन लगेंगे कि 1 किलोमीटर का लेंथ हो जाए, तो n पेन लगेंगे, n × 5 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर, तो n की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये घटिया क्वेश्चन था, बीच बीच में आएगा एक दो, और ये देखो आगे के क्वेश्चन भी वही है, लिखा है 2 × 10⁸ एटम ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाई साइड। ठीक है, इतने एटम साइड बाई साइड कार्बन के अरेंज कर रहे हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 3 मीटर, घंटा का, ये भी तो वही क्वेश्चन हुआ, मीन्स यहाँ पे देखा फिर से मिटाएंगे और यहाँ पे फिर से ऐसे ही बनाएंगे, और बोल रहा है कि हम जो एटम लगाए हैं वो लगाए हैं 2 × 10⁸ एटम्स, और इसकी डिस्टेंस पूरी डायमीटर x माने, डायमीटर x माने, सुनना, लेट डायमीटर x, टोटल लेंथ भी 3 मीटर, डायमीटर भी x, तो हमारी क्या हो जाएगी, दिस मच 2 × 10⁸ इंटू, एक का x है तो पूरी इतनी एटम की इंटू x कर देंगे तो उतनी लेंथ आनी चाहिए, और उतनी लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो 3 मीटर। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो x इज इक्वल टू आराम से आता है क्या 3 / 2 × 10⁸, मीन्स अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 1.5 × 10⁻⁸, 1.5 × 10⁻⁸। सुनना, x इज डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा x बाई टू, डायमीटर बाई टू, मीन्स वी कैन से दैट 1.5 × 10⁻², मीटर है ये सारे, मीटर में रखना है तो मीटर में रखो, नैनोमीटर में रखना है चेंज करो, सेंटीमीटर में रखना है चेंज करो, जो भी ऑप्शन देख के, यहाँ तो न्यूमेरिकल से, यहाँ तो कोई भी यूनिट में रख सकते हो, लेकिन देख के ऑप्शंस किस फॉर्म में पूछा है, 1.5 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 × 10⁻⁸ मीटर, मीन्स अगर इसको बोले 7.5 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, नैनोमीटर में डायरेक्ट मैंने चेंज कर लिया, तुम लोग अपना देख लेना, मीटर में ही छोड़ दो, मीटर में सटीक होता है, किसी भी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, न कि नैनोमीटर होता है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान। इसके बाद क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ जिंक इज 2.6 एंगस्ट्रम, फिर वही क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक इज इन पिकोमीटर, देखो यहाँ पे बोल के लिया पिकोमीटर में बताओ, तो चलो पिकोमीटर में बता दो, देखना यहाँ पे रेडियस ऑफ जिंक इज 2.6 एंगस्ट्रम, सॉरी डायमीटर, डायमीटर जो दिया है वो 2.6 एंगस्ट्रम दिया है, देन रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई टू, पहला क्वेश्चन है रेडियस निकालना है, मीन्स 2.6 एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर है ये, डिवाइडेड बाई टू मीन्स 1.3
इंटू 10^-10 मीटर। हमको लिखना है एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम लिखना है मतलब 1, 3, 2, 0 और बढ़ा देंगे तो -12 हो जाएगा। -12 को पिकोमीटर में निकालें, -12 को हम लोग पिकोमीटर कहते हैं। 2 0 और बढ़ाना है माइनस में, तो यहाँ प्लस में बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कन्वर्जन मैंने सिखा रखा है, तो 130 पिकोमीटर डायरेक्ट लिख लो, 130 पिकोमीटर। तो लो कन्वर्जन अपना थोड़ा सा देखना, कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा के दिया था शुरू में जब मोल कंसेप्ट पढ़ाया था। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलना, मैं वो वीडियो कन्वर्जन वाला ही भेज दूंगा, ठीक है। आगे देखना, इसी का बी क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर व्हेन जिंक आर अरेंज साइड बाई साइड। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप 1.6 मीटर तक अरेंज करना है जिंक को साइड बाई साइड। कितने एटम जिंक के लेंगे, तो एन एटम, तो एन इंटू डायमीटर से मल्टीप्लाई करना, रेडियस से मत कर देना, रेडियस से करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करूँ 38 की, तो लिखा है ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतने कूलम ऑफ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। घटिया क्वेश्चन है। टोटल चार्ज जो क्यू दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 × 10^-16 कूलम, ठीक है। और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इतने चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही बात है। तो एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को क्यू, ये तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई बचपन से, ठीक है। इसको ये सब पेन वाले मार्कर वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो थोड़े थोड़े ठीक होंगे, पता नहीं कब ठीक होंगे कब नहीं। लिखा अगले क्वेश्चन में मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन एक्सपेरिमेंट थोड़े अच्छे से पढ़ना। मिलिकन एक्सपेरिमेंट में दे रखा है स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेंड बाय शाइनिंग एक्सरे। इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हे, इतना घटिया क्वेश्चन हो सकता है क्या, इतना लंबा क्वेश्चन दिया, मैं पढ़ पढ़ के थका कि क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। और लास्ट में दिया है कि स्टैटिक चार्ज इतना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन इलेक्ट्रॉन, एन इंटू चार्ज, सेम क्वेश्चन। क्यू दे रखा है, ई की वैल्यू तुम लोगों को पता होनी चाहिए, एन निकालने हैं, सेम क्वेश्चन। 39 भी सेम क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉयल ऑफ हेवी एटम लाइक गोल्ड प्लेट। ये भी बकवास दिया है क्या, बोल रहा है बीन यूज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल इफ द थिन फॉयल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज, वॉट डिफरेंस वुड बी ऑब्जॉर्व। मीन्स गोल्ड फॉइल की जगह पे एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते, मान लेते पतला थोड़ा सा हल्का, तो क्या होता। पहली पॉइंट, उसको एल्यूमिनियम फॉइल को हम लोग इतने पतले प्लेट्स में नहीं, सीट्स में नहीं बदल सकते थे सच दैट उसके एटम एटम अलग हो जाए। और गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तर्क की बातें। दो तर्क होंगी, एक एल्यूमिनियम फॉइल को उतने पतले सीट्स में नहीं चेंज किया सकता, ठीक है, जैसे कि उसके एटम एटम अलग हो जाए। दूसरी तर्क यह है कि हीलियम पार्टिकल जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा भारी था, अगर वहाँ पे जो एलिमेंट्स हम लोग फॉइल लिए हैं वो पतला पड़ जाता तो हीलियम फॉइल उसको छेद करके बाहर चला जाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा गूगल पे जाओ, वहाँ से आंसर नोट डाउन करो, ठीक है, और भी कुछ जानकारियाँ मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दो पॉइंट आराम से लिखो जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद 41 क्वेश्चन नंबर, ये कल से शुरू करते हैं, ठीक है, 41 से अब 40 तक हो गया।